हमार झारखंड न्यूज, आपकी सोच, आपकी खबर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत कटकमदाग प्रखंड क्षेत्र संख्या 15 से जिला परिषद सदस्य लखन कुमार पासवान ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चलाया और कहा कि कोनार नदी के उद्गम स्थल को अगर हम जीत करके आते हैं तो पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करना हमारी प्रथम प्राथमिकता। मैं लगातार ये बोल रहा हूँ कि पहली प्राथमिकता हमारा जो है जनता की मूलभूत सुविधाएं जो है उसको मैंने फोकस किया है। उसके बाद आनी जो बड़ी समस्याएं क्षेत्र के कुछ ऐसे हमारे यहाँ है जो ऐतिहासिक धरोहर हैं लेकिन आज वो लुप्त होने के कगार पर है, वैसे हम धरोहर को जो है सो विकसित करने का संकल्प पत्र में हमने उसको जारी भी किया है। तो हमारी कोशिश होगी कि जो हमारे क्षेत्र में ऐतिहासिक धरोहर है जो लुप्त होते जा रहे हैं, मैं उदाहरण स्वरूप बताना चाहूँगा, जैसे बानादक पहाड़ी, हमारे क्षेत्र में एक बानादक पहाड़ी ऐसे है जहाँ ऐतिहासिक धरोहर है, वहाँ कई ऐसे पौराणिक तत्व छुपे हुए हैं, उस धरोहर को मैं विकसित करूँगा ताकि लोग रोजगार से जुड़ सकें। एक मैं और बताना चाहूँगा, आप लोग के माध्यम से संदेश देना चाहूँगा और एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा, बताना चाहूँगा, बहुत कम ही लोगों को ये जानकारी है। एक कोनार नदी है, वो हमारे प्रखंड क्षेत्र से ही उसका उद्गम स्थल है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। हमने अपना संकल्प पत्र में उसे जो है सो लिया है कि जो कोनार नदी है जो दूसरे यहाँ आज चिराग तले अंधेरा है उसे मैं दूर करूँगा और उस कोनार नदी का जो उद्गम स्थल है उसको भी मैं पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का संकल्प लिया हूँ।